Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are all right. Allah bless you all. Okay, today we are going to revise our direct indirect narrations. It's a revisionary lecture, okay? So do you know about direct indirect narration? Let's clear this again. Look at this. Narration means, the word narration derived from the word narrate. Ye lafaz narrate se nikla hai. It means to express and to describe. इजहार करना या बयान करना. नरेशन का मतलब बयान. नरेट एज अ वर्ब बयान करना. सो ये क्या है, टू एक्सप्रेस या तो इजहार करना होता है, टू डिस्क्राइब या बयान करना होता है. क्लियर? सो देर आर टू काइंड्स, डायरेक्ट नरेशन कलाम बिला वास्ता, इनडायरेक्ट नरेशन कलाम बिल वास्ता. ठीक है, आपको ये पहले किया हुआ आपने. लुक एट दिस एग्जाम्पल, डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन. तो डायरेक्ट नरेशन क्या है जी, कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन और मैसेज इन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर विदाउट एनी अल्टरेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी आई एम डूइंग माय वर्क. अब देखें, ही बात करने वाला खुद कह रहा है कि आई एम डूइंग माय वर्क, उसी के अल्फाज से मैं जा रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. सो दो क्लॉजेज होते हैं इसके, कोमा के इधर वाला क्लॉज और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला क्लॉज. अब कोमा के इस साइड वाला क्लॉज जो है, फर्स्ट क्लॉज, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, एंड सेकंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर? लुक एट इनडायरेक्ट नरेशन, कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन और मैसेज विद सम अल्टरेशन इन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, सॉरी इनडायरेक्ट नरेशन. फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क. उसने मुझसे कहा कि वो अपना काम कर रहा था. क्लियर? अब यहाँ पे डायरेक्ट वो बात नहीं कर रहा, बल्कि किसी और के लफ्जों में आगे उसकी बात जा रही है. दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन. क्लियर ना? लुक एट दिस, देर आर फाइव काइंड ऑफ डायरेक्ट नरेशन. पांच काइंड हैं, और लेकिन अब हमारे स्मार्ट ब्रेकडाउन में ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैंसिल हो गए, तो हमने ये चार काइंड पढ़ी हुई हैं. ठीक है, क्या होती हैं असर्टिव सेंटेंसेस? ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू. क्लियर? Interrogative sentences, she said to me, have you written a letter? So question marks ही पता चल रहा है, ये interrogative है. Clear? Optative sentence, the teacher said, may you live long. The word may represent dua, dua को, dua या जुमले. Exclamatory sentences, he said, hurrah, I have won the match. So ये sign of exclamation से पता चल जाएगा, exclamatory है. Sign of question mark, question यानी question mark से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव है. अगर कोई साइन नहीं है तो सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है. क्लियर? मे से पता चल जाएगा कि ये दुआया जुमला है. इज इट क्लियर? ये पहचान याद रखनी है अपने जहन में. लुक एट दिस, देयर कैन बी फाइव काइंड्स ऑफ चेंजिंग टू कन्वर्ट डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. जो चेंजिंग हम करते हैं, सेट टू को चेंज करते हैं, कॉमास को कैंसिल करते हैं, प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, टेंसेस को चेंज करते हैं, और सर्टन वर्ड्स भी चेंज होते हैं. अब सेट टू अमूमन दैट में बदलते हैं, और सिचुएशन के हिसाब से इफ और वेदर में भी बदल जाता है. यानी सिंपल असर्टिव सेंटेंस हो तो सेट टू बदल जाता है दैट में, सॉरी टोल्ड, टोल्ड में या टेल्स में. क्लियर? और कोमाज किस में, दैट में बदल जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इफ और वेदर में भी बदलते हैं. ठीक है, प्रोनाउंस किस में बदलते हैं, अकॉर्डिंग टू सन फार्मूला प्रोनाउंस को बदलना है, सन ओवर वन टू थ्री जो हमने किया हुआ है. ठीक है, आगे जाके भी डिटेल्स में देखेंगे. चेंज इन टेंसेस, टेंस कैसे बदलता है, टेंस टाइम चेंजिंग फार्मूले के मुताबिक. यानी तमाम प्रेजेंट पोर्शन सेम एज पास्ट पोर्शन में बदल जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट परफेक्ट में बदल जाता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बदल जाता है. क्लियर? और एंड वाले दो नहीं बदलते. चेंज इन सर्टन वर्ड्स, कुछ सर्टन वर्ड्स होते हैं वो भी बदल जाते हैं, जो आगे हम जाके देखेंगे. लुक एट दिस, जज एंड राइट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस. एक्टिविटी नंबर वन, आपने देखना है कि कौन सा डायरेक्ट नरेशन है, कौन सी इनडायरेक्ट है. ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू. अब बात करने वाला खुद ही बता रहा है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो ये क्या होगी, डायरेक्ट नरेशन है. शी सेड दैट शी वॉज अ गुड प्लेयर ऑफ बैडमिंटन. वो कहती है कि वो है, यानी मैं नहीं हूँ, वो है. सो ये इनडायरेक्ट हो गई. दैट दे सेड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी. दे और दे क्या हो गया, कौन सी नरेशन हुई, इनडायरेक्ट. शी सेड आई लाइक, अब वो खुद बात कर रही है, तो ये डायरेक्ट नरेशन है. जब वो खुद बात करेंगे तो डायरेक्ट. दे सेड
वी हैव डन, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट नरेशन. सो आपने ये जज करना है और उसके आगे उसकी काइंड लिखनी है. सो बेटा डू सेव दीज बेसिक चेंजिंग बेसिक पॉइंट्स और कीज इन योर माइंड. देन आफ्टर दैट वी विल डू दिस एक्सरसाइज, वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज, वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ दिस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट लेक्चर. विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.